यमुनानगर के गांव लाबरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में रेड मारने गई सीआईए वन की टीम पर हमला हुआ। हमले में कांस्टेबल विनोद कुमार के सर पर धराधर हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया। टीम के साथ गए एक युवक को भी सर पर लाठी लगी है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीआईए की टीम पर हमला करने वालों के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक सीआईए वन की टीम को सूचना मिली थी कि गांव लाबरा में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और स्मैक को बीट के हिसाब से बेचा जाता है। जिस सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जब टीम बारात घर लाबरा के पास पहुंची और स्मैक बेचने वालों को पकड़ने लगी, तब किसी ने शोर मचा दिया। इतने में कुछ लोग डंडे और धराधर हथियार लेकर आए और टीम पर हमला कर दिया। सीआईए वन इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि आज उनकी टीम गुप्त सूचना के आधार पर गांव लाबरा में रेड मारने गई थी। उस दौरान कुछ लोगों ने सीआईए की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक अन्य युवक जो टीम के साथ गया था, उसे चोटें आई हैं। उनका मेडिकल करवाया गया है। वहीं हमला करने वालों को पकड़ने के लिए टीमें दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी इन्फॉर्मेशन पे हमारी टीम एक लाबरा रेड पे गई थी। वहाँ हमारे एक मुलाजिम को ड्यूरिंग द रेड एक चोट लगी है और एक प्राइवेट शख्स को भी साथ में चोट लगी है। उसके जो लीगल कार्रवाई बननी है वो हमारे मिला रहे हैं। अभी हमने लिख के स्टेटमेंट दी आईओ ने, तो ऐसे तो नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।